Vida Dimitro, और मेरे साथ ही शिक्षक मित्रों, नमस्कार। आर्टिफिशियल किडनी के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। स्क्रीन पे हम देख रहे हैं कि एक पेशेंट जो है वो हमको देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो लड़की हैं, गर्ल हैं, काफ़ी यंग हैं, और इनके दोनों जो किडनी हैं वो फेल हो चुके हैं। अब दोनों किडनी फेल हो गए हैं, इसके कारण आप समझ सकते हैं कि किडनी का जो काम है यूरिन फॉर्मेशन और वेस्ट रिमूवल, तो ये इनके बॉडी में ये काम प्रॉपरली नहीं हो रहा है। तो इनका जो ब्लड है, इनमें जो वेस्ट मटेरियल है, उनका जो प्रोपोर्शन है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो इनके किडनी काम नहीं कर रहे, इसकी वजह से इनका जो ये जो पेशेंट है, इनको ये आर्टिफिशियल किडनी के साथ में इनको कनेक्ट किया गया है। और ये आर्टिफिशियल किडनी जो है, ये किस तरह से काम करती है और किस तरह से इनके बॉडी में से वेस्ट दूर करेंगी, तो उसके बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। अब देखिए, आर्टिफिशियल जो किडनी है, तो आर्टिफिशियल किडनी क्या है? तो आर्टिफिशियल किडनी जो है एक मैकेनिकल डिवाइस है। ठीक है, एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, एक मिनट चला जाएगा ये। अच्छा, तो आर्टिफिशियल किडनी जो है, आर्टिफिशियल किडनी क्या है? मैकेनिकल डिवाइस है। और ये जो है आर्टिफिशियल किडनी, तो प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस जो है, इसका इस्तेमाल इस मशीन में होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी में। और ये प्रिंसिपल ऑफ जो डायलिसिस है वो क्या है? टू रिमूव और सेपरेट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दी ब्लड, यानी कि पेशेंट का जो ब्लड है, इसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट है, अनवांटेड जो सब्सटेंसेस हैं, इनको दूर करना, ये काम ये आर्टिफिशियल किडनी जो है इसमें होता है। अच्छा, अब देखिए, जब पेशेंट की जो किडनी जो है, ठीक है, वो जब फेल हो जाती है, तो अ प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस कैन प्रोवाइड अ रिप्रीव फ्रॉम डेथ ऑफ द पेशेंट। तो क्या है कि जो पेशेंट है, दर्दी जो है, ठीक है, तो इनके बॉडी में बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल है, ब्लड में जमा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इसके कारण क्या है कि जो पेशेंट है उनकी डेथ भी हो सकती है। तो पेशेंट की डेथ ना हो और वो अपना जो जीवन है वो जी पाए, उसके लिए क्या किया जाता है? तो आर्टिफिशियल किडनी जो है, इसका इस्तेमाल करके जो हीमोडायलिसिस का जो प्रोसेस है वो किया जाता है, और ये प्रोसीजर से ये जो वेस्ट मटेरियल है ब्लड में से, इनको दूर किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पॉइंट है उसका डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हीमोडायलिसिस जो है, हीमोडायलिसिस में क्या होता है? तो हीमोडायलिसिस इज़ अ ट्रीटमेंट दैट क्लींसेस द ब्लड। ठीक है, हीमोडायलिसिस क्या है? एक प्रोसीजर है, एक ट्रीटमेंट है, जो क्या करता है? ब्लड को क्लीन करता है। By substituting for normal kidney functioning, जब पेशेंट के बॉडी में जब किडनी जो है वो काम नहीं कर रही है, तो ये एक सब्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर होता है, ठीक है, वेस्ट को दूर करने का। अच्छा, अब यहाँ पे जो हीमोडायलिसिस जो प्रोसेस है, इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी में जो बेसिक प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है? तो ये बेसिक प्रिंसिपल जो है, इसको प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस कहा जाता है। और ये प्रिंसिपल क्या है? तो डायलिसिस जो है प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है कि पैसिव डिफ्यूजन अक्रॉस अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, डायलिसिस जो है इसमें क्या होता है? पैसिव डिफ्यूजन होता है। कहाँ पे? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन में से। किसका होता है? तो देखिए, अब जो पेशेंट का जो ब्लड है वो
वो कहाँ पे फ्लो करेगा। तो पेशेंट का ये जो प्रोसीजर है उसमें आर्टिफिशियल किडनी में क्या होता है, पेशेंट का जो ब्लड है वो पास्ट एन आर्टिफिशियल डायलिसिस मेम्ब्रेन, वो कहाँ पे जाता है, आर्टिफिशियल जो डायलिसिस मेम्ब्रेन है उसमें। और ये जो आर्टिफिशियल डायलिसिस मेम्ब्रेन है कंटेन पोर, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, उसमें पोर होते हैं, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, है ना। तो ये जो छोटे छोटे पोर हैं, हॉल हैं, ठीक है, तो उसमें से क्या होता है कि देखिए ये जो पोर हैं ये इतने बड़े होते हैं, लार्ज इनफ टू परमिट द डिफ्यूजन ऑफ आयरन न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। तो ये जो मेम्ब्रेन है इसमें से क्या बाहर निकल सकता है, तो इसमें से आयरन न्यूट्रिएंट और ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो बाहर निकल सकता है, लेकिन स्मॉल इनफ टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। लेकिन ये जो पोर हैं मेम्ब्रेन के, ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन है इसमें जो पोर होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि जो ब्लड के जो प्रोटीन हैं वो निकलते नहीं हैं, ठीक है। फिर अ स्पेशल डायलिसिस फ्लूइड फ्लो ऑन आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन के दोनों साइड में क्या होता है, जो स्पेशल डायलिसिस जो फ्लूइड है वो बहते रहता है, ठीक है, फ्लो करता रहता है, बहता रहता है, उसको बहाया जाता है एक्चुअल में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो है बीच में आप देख रहे हैं, तो ये बीच में क्या है, आर्टिफिशियल डायलिसिस मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो है पेशेंट का ब्लड है और यहाँ पे आप देखेंगे ये डायलिसिस फ्लूइड है, तो इसमें से आप देख सकते हैं कि स्मॉल आयन जो हैं वो पास ऑन हो जाते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट जो हैं ये पोर्स में से जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है, ये देखिए ब्लड में जो प्लाज्मा प्रोटीन है, क्योंकि ये बड़े हैं तो जो ये जो पोर हैं उसमें से ये निकल नहीं पाएंगे, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन जो है, प्लाज्मा प्रोटीन वो ब्लड के अंदर ही रहेंगे। तो क्या जा रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि भी जो स्मॉल आयन है, ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, ठीक है, वही ये डिफ्यूज़ होते हैं इस आर्टिफिशियल डायलिसिस मेम्ब्रेन में से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, देखिए अब हीमोडायलिसिस जो है वो क्या है, तो देखिए हीमोडायलिसिस जो है इज़ अ प्रोसीजर फॉर आर्टिफिशियली क्लियरिंग वेस्ट फ्रॉम ब्लड, ठीक है, व्हेन द किडनीज आर नॉट एडिक्वेटली डूइंग सो, है ना। हीमोडायलिसिस जो है वो क्या है, एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, ये कृत्रिम तौर पे, है ना, कृत्रिम तौर पे जो ब्लड है उसमें से वेस्ट मटेरियल जो है उसको दूर किया जाता है, जब पेशेंट की जो किडनी है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती, किडनी जब फेल हो जाती है तब ये प्रोसीजर की जाती है जिससे वेस्ट मटेरियल को दूर किया जाए ब्लड में से। अच्छा, अब ये जो आर्टिफिशियल किडनी है या तो हीमोडायलिसिस का जो प्रोसीजर है इसमें क्या होता है, तो देखिए ब्लड ब्लड इज़ पम्प फ्रॉम दी रेडियल आर्टरी टू अ डायलिसिस मशीन, ठीक है, पेशेंट की जो रेडियल आर्टरी है उसमें से ब्लड को कहाँ भेजा जाता है, तो ब्लड को भेजा जाता है डायलिसिस मशीन में, वो क्या है, आर्टिफिशियल किडनी है। और फिर ये जो ब्लड जो है इसमें से जब वेस्ट मटेरियल जो है वो दूर हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ये जो ब्लड हैं, जो क्लियर ब्लड हैं, अब वो वापस वेन के मार्फत पेशेंट के बॉडी में उसको एंटर किया जाता है, तो जो क्लीन ब्लड है उसको वापस भेजा जाता है पेशेंट के बॉडी में। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो फिगर है इसमें भी हम देख सकते हैं, ये देखिए ये जो हैं ये डॉक्टर हैं, ये पेशेंट हैं जिनके किडनी फेल हो चुके हैं, ठीक है, और इनके बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है ये काफ़ी बढ़ चुके हैं ब्लड में, तो पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मशीन दिख रहा है हमको ये आर्टिफिशियल किडनी है जिसमें हीमोडायलिसिस की जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म की जाती है, ठीक है। तो अब देखिए
यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आर्टरी जो है ना, रेडियल आर्टरी, उसमें से जो ब्लड है वो कहाँ पे जा रहा है, तो जो ब्लड है वो आप देखेंगे कि ब्लड जो है वो जा रहा है, ये जो मशीन हमको दिख रहा है वो क्या है, डायलिसिस का मशीन है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे ये देखिए, तो ये डायलाइजिंग जो आर्टिफिशियल किडनी है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आप देखेंगे डायलाइजिंग ट्यूब है, ठीक है। तो ये जो डायलाइजिंग जो ट्यूब है उसमें से ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लड पंप है, तो ये जो पंप है वो क्या करता है, ये ब्लड जो है उसको पंप करता है, अंदर भेजता है मशीन में, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे, देखिए डायल, ये एक हमको छोटा सा, बहुत ही छोटा एक टैंक है, और ये जो टैंक है इसमें क्या भरा होता है, तो इसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड भरा होता है, और ये डायलिसिस जो फ्लूइड है तो यहाँ पे आप देखिए ये नीचे की ओर भेजा गया उसको, ठीक है। और अब ये डायलिसिस, ये देखिए फ्लो मीटर है, तो कितना जो फ्लो मीटर वो क्या डिसाइड करता है इससे कि भाई कितना जो फ्लूइड है वो जाने देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो ट्यूब्स हैं, डायलाइजिंग जो ट्यूब हैं, ठीक है, उसमें से जो ब्लड पास है हो रहा है, और उसके आसपास आप देख सकते हैं कि डायलाइसिस फ्लूइड हमको दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए ये जो है ये ट्यूब, ठीक है, ब्लड की डायरेक्शन देखिए और डायलाइजिंग फ्लूइड जो है उसकी डायरेक्शन देखिए, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि ये क्या हो रहा है, इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब देखिए, तो देखिए जो डायलाइजिंग जो मशीन है उसमें क्या होता है, द ब्लड फ्लो थ्रू अ सेमी परमिएबल सेलोफेन ट्यूब। तो ये जो आपको दिख रही हैं ये है ना, अंदर ये सारी जो ट्यूब हैं, ये कैसी ट्यूब हैं, ये जो सारी जो ट्यूब हैं वो क्या हैं, तो सेमी परमिएबल सेलोफेन ट्यूब है, ठीक है। तो ब्लड जो है इन ट्यूब में से बहेगा, ठीक है, और ये ट्यूब जो है इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अच्छा, और ये जो ट्यूब है उनके आसपास क्या होता है, सराउंडेड बाय डायलिसिस फ्लूइड। तो इसके आसपास ये देखिए, यहाँ से डायलिसिस फ्लूइड जो है वो हमने अभी नीचे देखा होगा, तो ये जो ट्यूब है, ठीक है, सेलोफेन ट्यूब, इनके आसपास क्या होता है, इनके आसपास जो है वो होता है डायलिसिस फ्लूइड, ठीक है। तो अब क्या होता है, तो ये जो डायलिसिस फ्लूइड जो है, ये आप देख रहे हैं ये डायलिसिस फ्लूइड यहाँ पर आया, ठीक है, ये जो ट्यूब है उसके आसपास में, और ट्यूब के अंदर तो ब्लड है पेशेंट का। चलिए, तो देखिए यहाँ पे यूरिया, पोटेशियम एंड अदर सॉल्यूट्स दैट आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन द ब्लड देन इन डायलिसिस फ्लूइड, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि पेशेंट का जो ब्लड है, पेशेंट के ब्लड में यूरिया, पोटेशियम और दूसरे जो सॉल्यूट हैं उनकी मात्रा ज़्यादा है, और डायलिसिस फ्लूइड में भी इनको रखा जाता है इन सभी को, लेकिन इनकी मात्रा जो है वो कम रखी जाती है, तो क्या है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो डेवलप हो पाए, ठीक है। तो क्या होगा कि भाई ये यूरिया, पोटेशियम और जो दूसरे जो सॉल्यूट हैं वो क्या पेशेंट के जो ब्लड है उसमें से बाहर आ जाएंगे, वो जो पोर्स हैं उसमें से, ठीक है, डिफ्यूज़न करके, और वो कहाँ पर आ जाएंगे, तो डायलिसिस फ्लूइड में। तो यहाँ से ये जो मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल, उसमें जो पोर है उसमें से ये जो है यूरिया, पोटेशियम और दूसरे जो सॉल्यूट है वो बाहर आ जाएंगे डायलाइजिंग फ्लूइड में, ठीक है। और फिर ये जो फ्लूइड है, फिर ये एक बार वेस्ट मटेरियल जो है, अनवांटेड आयंस एंड सॉल्यूट हैं वो सब बाहर निकल गए, तो उसके बाद ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है टू ड्रेन, है ना, वो क्या उसको बाहर भेज दिया जाता है मशीन से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है कि भाई अब जो है डायलाइजिंग फ्लूइड को ड्रेन कर दिया जाता है, डिस्कार्डेड कर दिया जाता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो डायलाइजिंग जो फ्लूइड है उसमें ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट एंड ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय एडिंग देम टू द डायलाइसिस फ्लूइड। तो यहाँ पे जो टैंक है ऊपर जो आपको दिख रही है,
इसमें हम क्या डाल सकते हैं, इसमें हम ग्लूकोज डाल सकते हैं, ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डाल सकते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या है कुछ दवाइयाँ जो हैं, ठीक है, मेडिसिन वो हम डाल सकते हैं। तो ये जो हैं ये सारी चीज़ें कहाँ से कहाँ जाएंगी, क्योंकि इनका जो कंसंट्रेशन है वो डायलाइजिंग फ्लूइड में ज़्यादा है, ठीक है, और पेशेंट के ब्लड में इनकी मात्रा कम है, तो डायलाइजिंग फ्लूइड में से ये जो हैं सारी चीज़ें ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट और ड्रग जो हैं दवाइयाँ वो कहाँ पे जाएंगी, तो वो जाएंगी पेशेंट के ब्लड में, है ना। तो ये जो है पेशेंट के ब्लड में ये सारी चीज़ें जो हैं वो एंटर होंगी, ठीक है, एंड सो दे विल डिफ्यूज थ्रू दी मेम्ब्रेन इन टू दी ब्लड। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट ड्रग वो पेशेंट के ब्लड में जाएंगे, ठीक है। अच्छा फिर अब देखिए दूसरा जो है दिक्कत क्या है कि देखिए यहाँ पे जो लिखा है पॉइंट नंबर 7 में कि देखिए पीपल विथ रीनल इनसफिशेंसी अक्यूमुलेट सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एक्सेस बॉडी वाटर बिटवीन ट्रीटमेंट। तो ऐसे जो पेशेंट हैं कि जिनकी जो दोनों ही किडनी जो फेल हो चुकी है उनको एक दिक्कत क्या आती है कि उनके शरीर में क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है, वेस्ट मटेरियल जो है वो बढ़ चुके हैं ब्लड में, तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो पेशेंट हैं इनके बॉडी में जो पानी की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये जो डायलिसिस जो है डायलिसिस सर्व ऑल्सो टू रिमूव इट। तो डायलिसिस जो है इसमें क्या होता है कि पेशेंट के बॉडी में पेशेंट के ब्लड में जो पानी की मात्रा जो बढ़ गई है तो जो एक्सेस वाटर है उसको भी ये जो मशीन है वो दूर कर देता है आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। अच्छा फिर पेशेंट्स आर टिपिकली गिवन एरिथ्रोपोइटिन टू कंपनसेट फॉर द लैक ऑफ EPO फ्रॉम दी फेलिंग किडनी, ठीक है। जो किडनी फेल हो गई है तो ऐसी फेलिंग किडनी जो है उनमें जो एरिथ्रोपोइटिन जो है उसकी कमी हो जाती है, तो उसके कारण क्या है कि पेशेंट जो है उसको जो एरिथ्रोपोइटिन है वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन भी दिया जाता है। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं हम। ये पूरा जो फिगर है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ तो आप अच्छे से देखिए, ये जो फिगर है, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे ये जो है देखिए यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप रीड करिए, ठीक है, और ये जो है ये इसका मशीन है, डायलिसिस मशीन है, आर्टिफिशियल किडनी है ये जो है मशीन पूरा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हीमोडायलिसिस जो है वो कितनी बार किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए हीमोडायलिसिस जो है हीमोडायलिसिस पेशेंट टिपिकली है 3 सेशन पर वीक, है ना, हफ्ते में ये कितनी बार किया जाता है, एक हफ्ते में ये 3 बार किया जाता है फॉर 4 to 8 आवर्स पर सेशन। और हर एक जो सेशन है वो कितना टाइम चलता है, तो हर एक जो सेशन है वो 4 से 8 घंटे तक चलता है, ठीक है। तो इन एडिशन टू इनकन्वीनियंस हीमोडायलिसिस कैरीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड थ्रोम्बोसिस, क्योंकि ये जो सेशन है इतने लंबे चलते हैं तो पेशेंट को क्या रिस्क रहता है, तो पेशेंट को कोई दूसरी जो बीमारियां हैं उनका इन्फेक्शन लगने का डर रहता है, या तो जो थ्रोम्बोसिस है इसकी भी इनको रिस्क रहती है पेशेंट को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा दूसरा जो एक प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है, देखिए ब्लड टेंड्स टू क्लोट व्हेन एक्सपोज टू फॉरेन सरफेस, ठीक है। हम जानते ही हैं कि अगर हमारे शरीर में से अगर खून बाहर आता है तो
जो ब्लड है उसका क्या है, क्लॉटिंग प्रॉपर्टी है ना, जो ब्लड है वो जम जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि भाई जो पेशेंट है उनके बॉडी में से ये ब्लड जो है उसको बाहर निकाला गया है। तो यहाँ पे भी जब ब्लड बाहर आएगा तो एक ये जो ख़तरा है वो बना रहता है कि इनका जो ब्लड है वो क्लॉट हो सकता है। तो पेशेंट का जो ब्लड है, जो आर्टिफिशियल किडनी है, डायलिसिस जो मशीन है, उसके अंदर क्लॉट ना हो जाए, उसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि जो ब्लड है, पेशेंट का जो ब्लड है, इसमें एंटी कोगुलेंट जो है वो मिलाया जाता है, जैसे कि हीपेरिन जो है वो ब्लड में मिलाया जाता है ड्यूरिंग डायलिसिस, ठीक है। अब ये इसमें एक दिक्कत क्या आती है कि भाई आपने जो आर्टिफिशियल किडनी जो है इसमें जो ब्लड का जो प्योरिफिकेशन करना था वो तो किया, ब्लड को क्लीन तो किया, लेकिन क्या होता है कि जब ये ब्लड जो वापस जो क्लीन क्लीन ब्लड है जो वापस पेशेंट के बॉडी में हम डालते हैं, तो क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली दिस इनहिबिट क्लॉटिंग इन द पेशेंट बॉडी, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या दिक्कत आती है कि जो पेशेंट के बॉडी में ये जो है क्लॉटिंग जो है वो भी इनहिबिट हो जाता है बॉडी के अंदर। तो फिर एंड डायलिसिस पेशेंट समटाइम्स सफर इंटरनल ब्लीडिंग, तो इसी के चलते क्योंकि क्लॉटिंग की जो प्रॉपर्टी है वो इनहिबिट हो जाती है क्योंकि हिपेरिन मिलाया था, तो फिर कई बार क्या होता है जो पेशेंट हैं उनमें शरीर के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग भी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो देखिए ये आप देखिए, जो पहले मैं पूरा जो फिगर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आप, ठीक है। यहाँ पे पूरा जो है फिगर, इसमें आप देखिए किस तरह से है ये, और ये देखिए पूरा जो मशीन है वो देखिए आप किस तरह से हो रहा है, ये देखिए, ये फिर यहाँ पे एरो, और इसी मशीन को यहाँ पे बताया है। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है पॉइंट, देखिए ये जो लिखा है ये आर्टरी, ठीक है, और ये वेन। अच्छा, आप देखेंगे कि भाई आर्टरी और वेन जो है ना, तो देखिए क्या होता है कि सिलिकॉन रबर ट्यूब कॉल्ड शंट्स आर इंसर्टेड इनटू मीडियम साइज आर्टरी एंड वेन, ठीक है। ये शंट जो है, शंट क्या होता है ये देखिए यहाँ पे जो है ये बताया है, शंट जो है वो क्या होते हैं, तो शंट जो होते हैं वो सिलिकॉन रबर ट्यूब होती हैं, और इनको कहाँ पे डाली जाती है ये सिलिकॉन रबर ट्यूब को, तो जो मीडियम साइज आर्टरी और वेन है इसके अंदर ये डाली जाती हैं। अच्छा, ये शंट जहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो उसका जो लोकेशन है वो कहाँ पे, लोकेशन इज़ दी फोर आर्म, ऑल्दो द लोअर लेग इज़ समटाइम यूज, ठीक है, लोअर लेग का भी कभी इस्तेमाल कर लिया जाता है। फिर ये इसके बाद क्या होता है, दोनों जो शंट हैं आप देख सकते हैं, दोनों जो शंट हैं उनको कनेक्ट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, फॉर्मिंग अ शॉर्ट सर्किट दैट डज नॉट इम्पेड दी फ्लो ऑफ ब्लड। तो ये शंट जो है इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि जो मशीन में जो ब्लड जो है, ठीक है, वो एक फ्लो से जा पाए, उसके लिए ये जो जो शंट है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर ये जो है ये तो चलिए ठीक है, ये शंट जो है ये किस तरह से क्या है आगे, तो ये आप पढ़ सकते हैं क्या उसका है। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो है यहाँ पे एक हमको समझना है कि देखिए, ठीक है, अब ये देखिए ये जो लिखा है ब्लड जो है, ब्लड क्या पे ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लोइंग इन अ ट्यूब ऑफ अ डायलिसिस मेम्ब्रेन, ठीक है। ब्लड कहाँ पे फ्लो करता है, डायलिसिस जो मेम्ब्रेन है उसके है ना, ब्लड फ्लो करता है ट्यूब में, और ट्यूब की जो वॉल है उसमें मेम्ब्रेन वो है डायलिसिस मेम्ब्रेन के तौर पे वो वॉल काम करेगी, ठीक है। तो अब क्या होता है, देखिए अ डिफ्यूज़न टेक प्लेस अक्रॉस द डायलिसिस मेम्ब्रेन, ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है, एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको,
ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ से ये इसमें, क्योंकि ये मेम्ब्रेन में क्या होता है, ये मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर होते हैं, है ना। तो क्या होता है कि देखिए, तो अ डिफ्यूजन टेक प्लेस अक्रॉस द डायलिसिस मेम्ब्रेन, द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड चेंजेस, ठीक है, ब्लड का जो कंपोजिशन है वो बदल जाता है, पोटेशियम आयन्स, फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन, यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन इनटू द डायलिसिस फ्लूइड, है ना। ये हम अच्छे से याद कर रहे हैं कि देखिए पेशेंट का जो ब्लड है, पेशेंट के ब्लड में से क्या बाहर आ रहा है, पोटेशियम आयन बाहर आ रहे हैं ब्लड में से, फॉस्फेट आयन बाहर आ रहे हैं, सल्फेट आयन बाहर आ रहे हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ये सब पेशेंट के ब्लड में से बाहर आके कहाँ पे जाएंगे, तो वो जो है ये जो डायलिसिस जो मेम्ब्रेन है इसको क्रॉस करेंगे, इसमें से डिफ्यूज़ होंगे और कहाँ पे आएंगे, डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो बाइकार्बोनेट आयन है, ग्लूकोज है, ये कहाँ से कहाँ जाएंगे, तो बाइकार्बोनेट आयन और ग्लूकोज जो हैं वो डायलाइजिंग जो फ्लूइड है उसमें से पेशेंट के ब्लड में जाते हैं, ठीक है। फिर इनफैक्ट डिफ्यूजन अक्रॉस द डायलिसिस मेम्ब्रेन टेक्स द प्लेस ऑफ नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो क्या लिखा है भाई कि भाई डिफ्यूजन अक्रॉस डायलिसिस मेम्ब्रेन टेक्स द प्लेस ऑफ नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है इसने किसका स्थान लिया, तो इसने जो नॉर्मल जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, क्योंकि वो किडनी में हो नहीं पा रहा है पेशेंट के, तो वो जो नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का जो काम था वो यहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी में हुआ। एंड दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायलिसिस फ्लूइड इंश्योर दैट इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट रिमेन इन दी ब्लड स्ट्रीम, तो डायलिसिंग जो फ्लूइड है उसको इस तरह से बनाया जाता है कि जो ब्लड के जो मेटाबोलाइट हैं वो तो ब्लड के अंदर ही रहेंगे जो इम्पोर्टेंट वाले हैं, ठीक है। तो फिर क्या जो अनवांटेड जो वेस्ट मटेरियल हैं, ठीक है, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ये बाहर निकलने चाहिए, और जो एक्सेसिव जो आयन है ना, जैसे कि पोटेशियम आयन हो गया, फॉस्फेट आयन हो गया, यही बाहर निकलने चाहिए, बाकी जो ब्लड की जो इम्पोर्टेंट जो घटक हैं, कंपोनेंट हैं, वो तो ब्लड में ही, उनको जो बाकी के जो इम्पोर्टेंट मेटाबोलाइट हैं वो तो ब्लड में ही रहेंगे, है ना, वो डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं आएंगे, तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो सारे जो फिगर हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है ये तो फिगर हमने देखा, ठीक है, फिर यहाँ पे इस तरह से देखा हमने, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है, पूरा फिगर, और तो इसी के साथ में ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है आर्टिफिशियल किडनी का, ठीक है, जिसमें हमने जो हीमोडायलिसिस का जो प्रोसीजर है इसके बारे में हमने बात करी, तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो लेक्चर है इससे आप जो है आपकी परीक्षा की तैयारी और आपका जो अभ्यास है वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।